हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी की सब्जी के पराठे। तो उसके लिए हम लेंगे पत्ता गोभी, दो गाजर, थोड़ी सी मटर और ये दो हरी मिर्ची। चलो हम इन सबको बारीक बारीक काट लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर पत्ता गोभी के पराठे बनाना। ये देखो मैंने पत्ता गोभी को कितना बारीक बारीक काट दिया है, आप इसी प्रकार बारीक बारीक काट लें। और ये देखो मटर भी मैंने छील लिए। अगर आप ज़्यादा दाने यूज़ करना चाहें तो और भी काट सकते हैं। ये कटी हुई पत्ता गोभी को मैंने एक बड़े बाउल में कर लिया है। अब गाजर को भी काटते हैं। देखो गाजर को ऐसे काट लेंगे, छोटी छोटी पीस करने हैं जिस क्योंकि पराठे बेलने हैं। तब तक ये गाजर कट रही है, हम इसमें मटर मिला लेते हैं पत्ता गोभी की। और ये मटर डाल दिए मैंने। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई गाजर। ये देखो गाजर को भी हमने डाल दिया। ये कुछ हरी मिर्ची है, इनको भी हम बारीक बारीक काट लेते हैं। ये मैंने मिर्ची को भी बारीक बारीक काट लिया है। ये अदरक की कली, इसको भी छील लेंगे। अगर आपको अदरक ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने रख दिया कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो आप कोई और तेल भी डाल सकते हैं। ये तेल डाल दो सरसों का। इस अदरक को भी हम घिस लेंगे। ये देखो तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब उसमें हम डालेंगे, इसमें हम डालेंगे जीरा, मिर्ची, हरी मिर्ची और अदरक। देखो जीरा डाल दिया है, हरी मिर्चियों को भी डाल देंगे, साथ में अदरक को जो के साथ है ना वो भी डाल देंगे, जिससे अदरक कच्चा ना रह जाए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको इसमें प्याज डालनी है तो आप प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने प्याज नहीं डाली है। और लहसुन भी डाल सकते हैं अगर आपको लहसुन खाते हो तो। ये थोड़ा सा अदरक हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम कटी हुई सब्जियाँ जो हमने काटी नहीं अभी। देखो ये सारी सब्जियाँ मैंने इसमें डाल दी कढ़ाई में, कितनी शानदार लग रही है देखने में। अब इसमें डालने स्टार्ट करेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। अगर सौंफ आपको नहीं डालनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सौंफ पाचन के लिए अच्छी होती है। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक को भी डाल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। पता हुआ भी पानी छोड़ती है इसलिए आप स्टार्टिंग में नमक थोड़ा कम डालें। अगर आपको एंड में कम लगे तो आप दोबारा नमक डाल सकते हैं। इसको हम ढके रखेंगे। पता हुआ भी पानी छोड़ती है इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको हम ढके रख देंगे। ये देखो सब्जी कितनी प्यारी लग रही है देखने में। ये हमारी हो चुकी है, मटर वगैरह गाजर वगैरह सब हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद। इसमें हम डालेंगे गर्म मसाला। सब्जी जब बन जाती है ना तब उसके बाद ही गर्म मसाला डालते हैं। गर्म मसाला डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे नींबू, थोड़ा सा, एक चम्मच नींबू है, इन्हें छोड़ के रखा था मैंने। इसमें डालेंगे कटे हुए धनिया। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको देखो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितनी शानदार लग रहे हैं। 5 मिनट तक इसको चलाएंगे। इसको तब तक चलाना है तब तक इसका पानी नहीं सूख जाए। पानी सूख जाए क्योंकि हमें इसको इसके पुराने हैं पराठे, तो पानी सूख जाए तब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अभी गर्मा गर्म में नहीं भरेंगे, थोड़ी सब्जी ठंडी हो जाए उसके बाद ही भरेंगे, नहीं तो पानी गीला हो जाएगा तो पराठे बेला ही नहीं आएंगे। देखो ये सब्जी बिल्कुल सूख चुकी है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। तब तक हम आटा वाटा लगा लेंगे। याद रखें ठंडी सब्जी हो जाए तभी पराठे बनाएं, नहीं तो हाल के साल नहीं बनाएं, गिलगिले हो जाएंगे पराठे, बनेंगे नहीं। फिर आप कहेंगे कि बन में हमारे पराठे तो बने ही नहीं, आपने पहले बताया नहीं, तो इसलिए हमने अभी बता दिया आपको गर्मा गर्म सब्जी में ना होना है। ये एक बाउल आटा ले लिया मैंने, अब इसको हम छान लेंगे। ये आटा मैंने छान लिया, अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालेंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इस पानी से आटा डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल देंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। एकदम सॉफ्ट डो लगाना है, ज़्यादा ढीला भी नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं। इस प्रकार ये आटा लगा लेंगे, दोनों आटे से ऐसे करेंगे जिससे आटा अच्छा लगता है। ये ऐसा करने से मुलायम आटा लगता है एकदम अच्छा लगता है। अब इसमें लगा लेंगे थोड़ा सा घी। घी देखो थोड़ा सा गीला हो गया, देखो ऐसा कर लेंगे, इसको साइड में उठा के रख लेंगे। देखो ये आटा साइड में उठा के रख दिया है, रख लेंगे 10-15 मिनट के लिए, इसको उठा के रख लेंगे। 10-15 मिनट बाद हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे, पत्ता गोभी, गाजर, मटर।
ये गैस पे तवा रख दिया है। चलो हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दही ले लिए, उसको बेलना स्टार्ट करते हैं। जितना बड़ा मैंने बेल लिया है, अब इसमें हम सब्जी भर लेंगे जो मैंने अभी बनाई थी। ये सब्जी मेरी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब भर रहे हैं इसमें हम सब्जी को। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भरें। देखो हमने कितनी भरी है। अब इसकी ऐसे बांध लेंगे, लोई बना लेंगे। ये देखो ऐसे पूरा अच्छे से दबा के प्रेस कर दिया, प्रोथन लगा के दोबारा धीरे धीरे बोलेंगे। ये देखो पराठा कितने अच्छे से बेल चुका है। अब हम इसको सेक लेंगे। इसको मैंने तवे पे डाल दिया है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब आपको लगे ये सूख चुका है नीचे से, तो आप इसको पलट देंगे। तब तक ये सिक रहा है, तब तक हम दूसरा भी बेल लेते हैं। ये देखो इस पराठे में हम ऐसे बट देंगे दोबारा से, इसको भी पैक करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे दोबारा से लोई बना देंगे। अगर आपको ये बनाना नहीं आती हो ऐसे लोई सी, तो आप समोसे की शेप में भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में। देखो कितना अच्छे से बेला। ये देखो मेरे को लग रहा है ये हल्का से नीचे से शिफ्ट करा है, तो हम इसको पलट लेंगे। तो ये मैंने पलट दिया, हल्का से पता है नीचे से। ये देखो हल्का सा सिक चुका है। हम इस पर घी लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर भी लगा सकते हैं, या फिर कोई रिफाइंड ऑयल वगैरह हो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो इसको आप एक साइड से घी ला दिया, दूसरी साइड से पलटते हैं। देखो दूसरी साइड से पलट दिया, इस साइड भी घी लगा लेंगे। अच्छे से दबा दबा के सेक लेंगे। मेरे दी वाले पराठे तो बहुत फेवरेट हैं। अगर आपको भी पसंद आए तो आप ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपके कैसे बने। कम्युनिटी पोस्ट में कुछ मेरी कुकिंग टिप्स हैं, वो भी देख लें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी वीडियोज़ भी आपके मेरे को मेरे चैनल पर आपको बाकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, तो वो भी देख सकते हैं आप। देखो पराठे कितने अच्छे से सिखाए। देखो कितने शानदार लग रहा है। अब हम इसको उतार लेंगे। देखो कितना अच्छे से सिक चुका है ये। ये दूसरा वाला भी डाल दिया मैंने, इसको भी अच्छे से सिक लिया। देखो कितना अच्छा होना है। फिर वो मेरे को लग रहा है ये नीचे से सिक चुका है, तो उसको भी हम पलट लेंगे। देखो ये पलट दिया, देखो सिक चुका था। अब इसमें हम घी और बटर लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे से भी सिकाने देंगे इसको, फिर घी और बटर लगाएंगे। इस पर घी लगाना स्टार्ट करेंगे। कितना शानदार लग रहा है, मेरे तो अभी से मुँह में बन जा रहा है। ये देखो गोभी का पराठा कितना शानदार लग रहा है देखने में। चलो हम इसको खा के दिखाते हैं। देखो खोल के देखो कितना शानदार लग रहा है इसको। इसको मीठी दही और सॉस के साथ खाएं तो और ही अच्छा लगता है। कितना मस्त लग रहा है। अगर आपको मेरी पसंद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।